हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड, जहां पे मैं हमेशा की तरह आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन एंड उसकी कुछ गाइडलाइंस बताती हूं, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके कि आपको ये कितना बेनिफिट देगा अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं केटाफिल, जो कि ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये क्रीम आपको कितना बेनिफिट देगा, पहले जानते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होगी। इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी मार्केट में 360 रुपये की मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम इस प्रोडक्ट की, जो विशेष जानकारी होती है हमेशा की तरह मैं आपको बताती रहती हूँ क्रीम के बारे में, कि जैसा कि यहाँ पे लिखा फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी कि ये बाहरी सतह के लिए यूज़ करने के लिए, ना कि भीतरी सतह के लिए। इसे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे से दूर रखने के लिए इसलिए कहा जाता है, बहुत बच्चे क्रीम या कुछ भी प्रोडक्ट अपने मुँह में ले कर खेलते हैं, तो ऐसा करना ना दें, क्योंकि वो बच्चों के लिए दिक्कत में डाल सकता है। और इसको आपको किसी कूल प्लेस में स्टोर करना है, जहाँ भी आपका जो रखने का जगह है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, ताकि आपकी प्रोडक्ट की जो खासियत है वो ख़राब ना हो। ये जान लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत प्रोडक्ट में लिखा होता है कि आप इसको कूल प्लेस में रखिए, तो कुछ लोग लिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखना तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर कूल प्लेस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको फ्रीज में रखना है। इसको आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, यानी कि सूरज की रोशनी आपके प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट ना आए, ये बस समझ लेना है। आप इसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डार्क, यानी कि अंधेरा हो, कहीं लाइट में ना हो। यानी कि आप इसको किसी ऐसी, जैसे कि सिंगारदान होती है, लेडीज़ की सिंगारदान होती है, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं अंदर बंद करके। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है, ना कि आपको उसका उल्टा समझ लेना है कि इसको कहीं कूल है यानी कि ठंडी जगह रखनी तो फ्रिज में रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, जो कि ये है फ्रेग्रेंस फ्री, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ना सुगंध नहीं होते, यानी कि खुशबू नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी उसकी क्या खासियत होती है जिसमें उसमें खुशबू नहीं होती है। बट हाँ, डॉक्टर के रिकमेंड किया हुआ चीज़ ज़्यादातर खुशबू नहीं होती है, फ्रेग्रेंस फ्री ही होती है। उसकी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए ये इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है कि खुशबू ऐड नहीं है इस क्रीम में, ये विदाउट खुशबू लेस क्रीम है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये किस किस लोगों के फेस पे जाएगा। देखिए, ये एक ड्राई स्किन वाले के लिए जाएगा, और एक सेंसिटिव स्किन वाले के लिए जाएगा, और एक जाएगा ऑयली स्किन वाले के लिए, क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो ही ऑयली स्किन होती है ज़्यादातर। क्यों होती है, मैं वीडियो में आपको सारी जानकारी दे देती हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और सारी जानकारी मेरे तरफ से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के ऊपर, कि जैसा कि मैंने बताया, ड्राई स्किन वाले के लिए जाएगा और सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन, ठीक है। और इसको आपको क्या बेनिफिट है इस क्रीम में, देखिए, जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनका जो फेस होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, स्पेशली जब विंटर आने लगता है, यानी कि सर्दियों के दिन आते हैं, तो जो कि आने वाला है आपका, ठीक है। तो अगर ड्राई स्किन वाले अपना ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका चेहरा डल भी होगा, साथ ही साथ उनके चेहरे पे एक रूखानेस आ जाएगा, और साथ ही उनकी जो स्मूथनेस है वो ख़राब हो जाएगी, और फिर वो चेहरे से ग्लो भी चला जाएगा। तो ड्राई स्किन वाले ध्यान दें कि ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि आपका जो चेहरा सेफ रहे। तो आप इस केटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम को लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने का मैं उपाय बताऊंगी कब कब लगाना है, पहले मैं इसका सारी चीज़ें बता दूं कि ये किन किन स्किन के लिए बेनिफिट रहेगा ये क्रीम। अब मैं बात करती हूँ सेंसिटिव स्किन वाले। सेंसिटिव स्किन वाले का जो स्किन होता है वो क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सेंसिटिव स्किन वाले का स्किन इसलिए सेंसिटिव हो जाता है कि वो बहुत तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने फेस पे बहुत समय तक। जैसे कि किसी को चेहरे पे अगर पिंपल्स हो गया तो वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं जिससे कि मेरा पिंपल्स रिमूव हो जाए, मेरे दाग धब्बे ख़त्म हो जाए, मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाए, या जिस तरीके का भी वो सोच रखते हैं, और वो इस तरीके से चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, मार्केट की चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट की चीज़ें, घर में बने हुए चीज़ें,
तो ऐसी चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें अपने फेस के साथ। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में मेरे ये ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा कि हमेशा डॉक्टर का रेकमेंड किया हुआ ही चीज़ आप यूज़ करें, यानी कि डॉक्टर का सलाह लीजिए, उसके बाद आप किसी चीज़ पे जाइए विदाउट किसी के कहने। घर में किसी चीज़ को बना कर अपने फेस पे लगाना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। और आपके फेस तो सबसे ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ मायने रखती है, तो फेस के ऊपर तो बिल्कुल भी ऐसी खिलवाड़ ना करें, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये आपको कब कब अप्लाई करना है और इसकी क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, अप्लाई करने का सीधा सिंपल चीज़ है कि आप पहले फेस वॉश धोइए, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। फेस वॉश से फेस धोने के बाद 10 मिनट को आपको रेस्ट करने देना होगा, और उसके बाद आपको ये जो क्रीम देख रहे हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आपको ये लगाना होगा। उसके बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन है। क्यों लगाना चाहिए सनस्क्रीन, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से जाके, मेरे लिंक से जाकर आप सनस्क्रीन के बारे में समझ सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं सनस्क्रीन लगाने के, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ इस क्रीम के बारे में कि ये क्रीम लगाने के बाद आपके स्किन के ऊपर एक जो ड्राइनेस और पिंपल के दिक्कत, एक्ने के, पिगमेंटेशन के, बहुत तरीके से आपके चेहरे पर ड्राई हो गया है, यानी कि खुरदुरा हो गया है, रूखा रूखा सा हो गया है, इस क्रीम को लगाने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा ये क्रीम। क्योंकि इस क्रीम का यही एकमात्र काम है, जो भी स्किन के ऊपर रूखापन और खुरदुरापन, ग्लो चला गया आपके स्किन से, तो ये बरकरार करेगा वो क्रीम। ये रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्किन को। इसको अगर आप दिन में कहीं ज़्यादा नहीं जाते हैं बाहर धूल मिट्टी में, या जिस तरीके से बाहर लोग जाते हैं जॉब के लिए या किसी भी वजह से बाहर उनको ज़्यादा जाना पड़ता है, फिर तो ये जो क्रीम है उनको 3 टाइम वॉश करके फेस ज़रूर लगाना होगा। और अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है फेस वॉश करने का, या कुछ पानी से मुँह धोने का, या फिर इस क्रीम को लगाने का, तो इससे भी आप मत डरिए, क्योंकि ये क्रीम 24 घंटा अपने आपके चेहरे पे लगे रहेगा, यानी कि ये 24 आवर्स स्टे तो ज़रूर करता है आपके स्किन के ऊपर। इसका सबसे अच्छा यही एक मात्र क्रीम है जो कि मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ ये स्टे काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने का सीधा सा सिंपल सा है, फेस वॉश करना है, हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 10 मिनट रेस्ट करने देना है, उसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है। कोई भी क्रीम आप अप्लाई करते हैं, इसको लगाने के बाद भी आप कोई क्रीम भी लगा सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, कि आप ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के 10-15-20 मिनट रेस्ट कीजिएगा, आप मेकअप भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्रीम मेकअप को भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग देगा और आपके स्किन पे काफ़ी ग्लो एंड हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये आपके स्किन पे बने रहेगा। तो आप ये मेकअप पर भी इसको लगा सकते हैं, यानी कि इसको लगाने के बाद मेकअप लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। और अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको स्पेशली और भी, जैसे किसी के एक्ने के प्रॉब्लम, दाग धब्बे के प्रॉब्लम, उसके बाद काफ़ी चेहरे पे, वो सिर्फ एक्ने वाले के लिए है, ये ड्राइनेस वाले क्रीम के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, यहीं नॉर्मल स्किन वाले के लिए, मैं ऑयली स्किन वाले के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि अगर आपको ऑयली स्किन के लिए कौन सा बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहेगा, मैं वो लिंक शेयर कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी क्रीम देख सकते हैं। अगर आपकी स्किन सिर्फ ऑयली है और काफ़ी एक्ने के प्रॉब्लम हो गए हैं, इस तरीके की पिगमेंटेशन की दिक्कत आ गई है चेहरे पे, तो वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको सच में बहुत बेनिफिट देगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि इसी तरीके के आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और नई नई जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं गाइस, बाय बाय।